अच्छा मैं क्योंकि इंटरव्यू सुनिया उद्दे च कोई सवाल ऐसे सी कि तुसी लीडर किनू मनदे हो या किनू समझदे हो कि पार्टी दी कमान जड़ा है वो तुसी सेकंड नवाज शरीफ साहब को लिए किदी पार्टी दी कमान या लीडर नवाज शरीफ ने मतलब ठीक है ठीक है नवाज शरीफ साहब कोई कोई ऐसी ताड़ी चीज कोई ऐसी आदत जिदे नाल चिढ़दे हो नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं दे दूंगा मेरा मन नहीं पता लेकिन बहुत अच्छा उदी एक बहुत बड़ी शाही तुम दसा जी 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 पंजाब बंदे बैठे सुन रहे ने गल्लां आराम नाल खामोशी नाल सुनते रहेंगे तुसी दसो खुद ही बोलेंगे बहुत घट अखीर ते मैनूं कहणगे शेख साहब जरा दसो ना उन्होंने एक गल का पता होंगे कि इस बंदे ने वो गल करनी है जिहड़ी ऑन ग्राउंड रियलिटी है मैरिट की गल रियलिटी गल समझो बड़े मजा ये बड़ी घट लोग होती है मेरी आदत तो बिल्कुल किसे मैं वैसे खुदा दी होया जानते हो मैं दिल की गल तो उन्होंने नहीं जान सकता लेकिन मेरी किसी गल तो वो चिढ़ते नहीं थोड़े दिन पहले मैं एक गल की जी को होर हों ना कि शायद उन्होंने बड़ा सख्त जवाब देते जो तो मैं उन्होंने सवाल किया तो वो गल दसोगे नहीं की नहीं कोई ऐडी जो नहीं मैं उन्होंने एक गुजारिश की थी कि जितने लोग साढ़े नाराज तो नहीं हो गए या चले गए ने पिछे हट गए ने ते मेरा ख्याल है जी उन्होंने असी दोबारा ले आईए वक्त तुम बहुत अजीब जो हो गया हस पे हाँ 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 करके हसे तो उन मतलब बुरा नहीं बनाया उन्होंने एक होर मेरी जगह तो होंगे ना तो शायद हो सकता क्यों देखो ना बड़ी दिल आजारी होती है तुसी किसे शख्स को चंगे वक्त ही छोड़ोगे ना उन्होंने फर्क ही नहीं पड़ेगा उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं होगा तुझे छड़ गया परवाह ही नहीं जा जन्म ही जा लेकिन जो कोई तकलीफ ही छोड़ोगे ना वो सारी जिंदगी नहीं भुलता उन्हें याद रहता है फिर वो कोशिश करता है कि मैं इस तो किनारा कसी लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा वाला दिल जो अच्छा हाँ बड़ा वाला दिल जो लोगों को माफ करता है लोगों की इज्जत करता है लोगों नाल बड़े अच्छे तरीके ना पेश आता है बहुत ये फिर अफवाहें सन कि चौधरी बरादरान ने बड़ी कोशिश की थी वापस आने की मिलन की और मियाँ साहब जो है नहीं मिले अच्छा हाँ हाँ तुम्हें कई गलों का नहीं पता है ठीक कह रहे हो चौधरी शुजात साहब ने टेलीफोन किया मियाँ साहब ने मियाँ साहब लंदन सन ओके मियाँ साहब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा मियाँ साहब का मियाँ साहब ने चौधरी साहब को बड़े कहा चौधरी साहब आ जाओ इतने लंदन आओ चलो दो भरा बह कि कहीं शॉपिंग शुपिंग करा कि गप छप मारा फिर टूरा ओके दीज आर दी वर्ड्स ये उन्होंने अल्फाज सन मी एस बड़े खुले दिल के बंदे ने असल उसामा होता की है होता है वे कि जो कोई दो दोस्त या दो वे लोग आपस में जुड़न लगते ना तो मेरे जो छोटे बंदे को फिक्र पै जाती है असी उन्होंने मिलन नहीं देंगे असं चाहते हैं कि इन्हें दूरियां रहन बड़े बिटर रहे तो जे इन्हें दूरियां रहनगियां तो साड़ी दाल पकेगी ना जो इकट्ठे हो गए तो फिर असं कितने मैटर कर बिल्कुल सही है अच्छा सर जी ये दसो कि तुम अपने हल्के तो रिटायर होंगे हो तो हु इज़ द बेस्ट कैंडीडेट जो तुम रिप्लेस कर सके तुम्हारी जगह ले सके रिप्लेस तो खैर कोई नहीं कर सकता जगह ले सके देखो मैं उस समय तुम एक गल दसा ये किसी इंसान का फैसला नहीं है ठीक है ये इंसान का फैसला नहीं होता ये अल्लाह करीम के कोल है इज्जत और जिल्लत जो चाहे दे दे जो चाहे खोल है 2002 मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इलेक्शन आ जाऊँ हार गया मैं याद है अल्लाह अगरी की रहमत करे बेनजीर भुट्टो 97 उन्होंने जलसा देख के तो मैं कहा कि मुबारक आपको आप इलेक्शन जीत गए इलेक्शन आ गया उन्होंने च मंजूर ना ये मेरा बड़ा मजबूत इतकाद है अल्लाह के बगैर तुसी कुछ नहीं कर सकते बेशक कोई भी आएगा जो मेरी जिल्लत रब दे घर लिखी है कोई बंदा भी आएगा तो रिप्लेस कर लेगा हाँ ये मैं कह सकना कि मैं और कम को नहीं आता यार की करा
ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਔਰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਮਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਮਝਿਓ।